अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत से स्टूडेंट्स इस वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली आई डिसाइडेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो अबाउट स्टूडेंट्स हॉस्टल इन हंगरी एंड ऑल्सो विच ऑप्शन इज़ बेटर, रेंटिंग एन अपार्टमेंट और लिविंग इन अ स्टूडेंट हॉस्टल। एंड इफ़ यू रेंट एन अपार्टमेंट देन हाउ मच यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। टुडे आई एम गोना शो यू द BME इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल, और आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हॉस्टल्स किस टाइप के हैं, क्योंकि जिस टाइप का BME का हॉस्टल है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी ऐसे ही हॉस्टल हैं, चाहे वो डेब्रिसन में हैं या पैच में हैं या किसी भी सिटी में हैं, और इवन के जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं बुदापेस्ट की, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। BME का जो स्टूडेंट्स हॉस्टल है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने अपार्टमेंट रेंट कर लिया था, तो मैंने कहा वहाँ जाते तक मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो कि डिफरेंस हैं अपार्टमेंट में रहने के और स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहने के, और फिर प्राइस डिफरेंस भी। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहें तो आपके एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट रेंट करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से तमाम पॉइंट्स शेयर करता हूँ कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप अपार्टमेंट में जाना भी चाहते हैं तो हाउ मच यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हॉस्टल का पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप लोगों को वहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, नॉट इवन अ सिंगल फॉरेंट। और लेकिन स्टूडेंट हॉस्टल में आपको रूम 2 बेडेड भी हो सकता है, 3 बेडेड भी, और इवन के 5 बेडेड भी। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पर रेफ्रिजरेटर शेयर करना पड़ता है, किचन शेयर करना पड़ता है, और किचन आप लोगों का फ्लोर पर 1 या 2 होते हैं। और इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट में जाते हैं तो अपार्टमेंट में आपको आपके पास आपकी प्राइवेसी ज़्यादा होती है, आपके पास रूम सेपरेट होता है, और दूसरी बात यह कि आप मैक्सिमम 3 से 4 फ्रेंड्स होते हो अपार्टमेंट में, तो फिर आपको पता है कि ज़रा काफ़ी डिफरेंट सीन हो जाता है। लेकिन आपको फिर अपार्टमेंट में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। लेकिन चले मैं अभी आप लोगों को साथ ही बता देता हूँ कि क्योंकि मैं हॉस्टल भी पहुँचने वाला हूँ, तो अगर आप अपार्टमेंट में जाते हैं और आपको यूनिवर्सिटी 40,000 फॉरेंस पे करती है, ठीक है, तो जो कि 40,000 यहाँ पे अपार्टमेंट्स के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको अगर शेयर्ड अपार्टमेंट भी लेना है, बहुत छोटा सा रूम चाहिए एक शेयर्ड अपार्टमेंट में भी, तो आपके पास ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 फॉरेंस होने चाहिए, इससे कम नहीं मिलता। और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बुदापेस्ट की, बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और लाइक डेब्रिसन पैच, वहाँ पे आप लोगों को 50,000 में अच्छा रूम मिल जाता है, और मेरे बहुत से दोस्त वहाँ पे रह रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। बुदापेस्ट में आप किसी से भी पूछ लें, आपको 70,000 या 80,000 से कम में नहीं मिलता। तो ये अब आप लोग अपना माइंड बना लें कि अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो आपके पास इतने एक्स्ट्रा होने चाहिए। और ये आप यहाँ पे जॉब से भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्टडीज़ कैसी हैं, आप शायद ना अर्न कर पाएँ। लाइक जिस तरह मैं पर्सनली यहाँ पे अर्न नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी स्टडीज़ टफ़ हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो ये आप लोग देख लें, ये पॉइंट्स मैं अपनी फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लेकर। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ हॉस्टल्स पर। एक और बात यह कि BME के हॉस्टल के लिए आपको हर साल अप्लाई करना पड़ता है, और BME में आपको 100% श्योर नहीं होते कि आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि BME में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, और हॉस्टल में इतनी ज़्यादा प्लेसेस नहीं हैं, तो इस वजह से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक एल्टे, कॉर्विनस, वहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को ईज़िली हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन BME में आपको ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल मिले। और अभी मैं आप लोगों को जो हॉस्टल दिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स के लिए है, BME के स्टूडेंट्स के लिए, और हर यूनिवर्सिटी में जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट हॉस्टल्स होते हैं, और PhD स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हॉस्टल्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड होते हैं या आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसा सीन है कि यहाँ पर अटैच नहीं होते, यहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। लाइक जो हंगेरियंस के यहाँ पे हॉस्टल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड है, और वो हैं भी बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की के हॉस्टल के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। लेकिन चलें ये एक अलग टॉपिक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल हैं उनके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और ट्रैवल कितना करना पड़ता है वो होते हैं 10 to 15 minutes बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और कुछ हॉस्टल्स दूर भी हैं, जैसे एक एल्टे का हॉस्टल है वो ऑलमोस्ट 1 आवर दूर है,
तो इट डिपेंड्स के बीएमई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बीएमई थोड़ी अच्छी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं, मे बी उनका हॉस्टल बाकी हॉस्टल्स की नस्बत थोड़ा सा कम अच्छा हो, लेकिन उनका जो हॉस्टल है उसकी लोकेशन बहुत परफेक्ट है, वो बिल्कुल सिटी सेंटर में, आप लोग हर जगह जा सकते हैं बाय वॉक, जो बीएमई का हॉस्टल है। बाकी यूनिवर्सिटी के भी हॉस्टल अच्छे हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल जो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि वो दूर बहुत हैं। और अगर बात की जाए कि हॉस्टल्स की कंडीशन कैसी है, हॉस्टल्स हैं कैसे, तो हॉस्टल्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और अभी आप लोग देख लेंगे कि बीएमई का हॉस्टल कैसा है तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चंस थे कि यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या हैं और ये सब, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और आज की वीडियो में मैं सिर्फ हॉस्टल्स की बात करना चाहता हूँ। तो आई थिंक काफ़ी बातें मैंने आपको मेन बता दी हैं हॉस्टल्स के बारे में, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपके एक्सपेंसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं अकोमोडेशन के, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको, आप जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है उसमें नहीं रह सकते बुदापेस्ट में, बाकी सिटीज़ में आप लोग सम हाउ गुजारा हो जाता है, लेकिन बुदापेस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई कि आप लोगों को हॉस्टल मिल जाए, और बहुत से स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रह रहे हैं लेकिन कुछ मूव भी हो जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स हॉस्टल में रह भी रहे हैं लाइक तीन सालों से रह रहे हैं, बहुत से मेरे जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे वो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स हॉस्टल में ही रह रहे हैं। और ये आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बुदापेस्ट की सेंट्रल मॉस्क है। और खैर, मैं विद इन 2 मिनट्स हॉस्टल पहुंच जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हॉस्टल्स यहां पे अंदर से कैसे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी फ्रेंड का रूम भी आप लोगों को अंदर से दिखा दूं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बुदापेस्ट की सेंट्रल मॉस्क है। आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हॉस्टल्स में रहें अगर आपको हॉस्टल्स मिल रहे हैं, लेकिन हॉस्टल में आप लोगों को घर वाली फीलिंग नहीं आती ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप लोगों ने शेयर करना होता है बाकी लोगों के साथ सब कुछ, लाइक इवन किचन, रेफ्रिजरेटर। और अपार्टमेंट में आप लोगों को घर वाली फीलिंग आ सकती है, लाइक आप जो कुछ बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी, किचन आप लोगों का अपना होता है और चीज़ें आप लोगों की साफ़ रहती हैं। यहाँ पर अब आप लोग लाइक 40 स्टूडेंट्स अगर एक फ्लोर पर रह रहे हैं तो 40 स्टूडेंट्स वो किचन शेयर करते हैं, तो अपार्टमेंट में आप लोग वही किचन 3 to 4 स्टूडेंट्स शेयर करते हो। तो मोस्टली जितने भी मेरे फ्रेंड्स अपार्टमेंट में मूव हुए हैं वो 3 to 4 पाकिस्तानी फ्रेंड्स मूव हो जाते हैं अपार्टमेंट में। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे है बीएमई का स्टूडेंट्स हॉस्टल, और मैं आप लोगों को अभी अंदर लेके जाता हूँ, मैंने दोस्तों कॉल किया वो नीचे आ रहे। सो इट्स अ 2 बेडेड रूम, और जो यहाँ पे रहते हैं उनकी तरफ से ये कमेंट्स थे कि रूम की हालत काफ़ी बुरी है क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड चल रहा था, बट आई टोल्ड देम के यार डजंट मैटर, आई जस्ट वांट टू शो दिस रूम इन माय वीडियो। सो दिस इज़ द किचन ऑफ दिस फ्लोर, एंड एक्चुअली ये हॉस्टल बहुत बड़ा है, एंड इन माई वीडियो आई जस्ट शोड यू 2 or 3% ऑफ दिस हॉस्टल।